ये ले मम्मी पेन किलर, खा ले ठीक हो जाएंगी। मैं दे मानो, मेरे सर का दर्द नहीं ठीक होना, ये स्यापा ऐसे नहीं ठीक होगा जब तक ये बिट्टो मगरों नहीं लथेगी। अम्मी इतनी बेजरसी तो है वो, आप खान खान के पीछे पड़ गई हैं। मैं उसके पीछे नहीं पड़ी, वो मेरे इकलौते भाई के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। जादू टोने टोटके करा रही है, उसे अपनी पटरी पे चढ़ाना चाहती है। तो क्या हर्ज इस पटरी में? हर्ज ये है कि तेरा जो प्यो है ना, उसको तू नहीं नजर आती, बिट्टो नाम का इंजन नजर आता है, तेरी कोई टेंशन नहीं है उसको। मुझे क्यों घसीट लेती है अम्मी आप हर मामले में? वैसे भी अभी मुझे अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करनी। मैं जूतियां मार के ना तेरी पढ़ाई कम्प्लीट करा दूंगी, चुप करके ब्याह करवा, वरना बिट्टो की तरह ना ओवर एज हो जाएगी, फिर तुझे कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। लगा तो रहे मुंह आपके भाई साहब बिट्टो आपा को, बेचारा तो अक्ल का अन्ना है, ऊपर से वो सलीका जो है ना उसको पटियां पढ़ाती है, पुट्ठी वो भी, फोने कर करके बड़ी सगी बनती है ना अपने खालाजाद भाई की। अम्मी अब आप चाहती क्या हैं? मैंने क्या जाना है? बस ये बिट्टो जो है ना, ये भले सोने की मान के आ जाए, ये माथे के ऊपर अपना हीरे का ताज पहन ले, मैंने इसको कुकू की वोटी नहीं बनने देना। भाभी ये लें चाय, अब फिक्र ना करें, आप जैसे चाहेंगी वैसे ही हो ना। मैंने क्या चाहना है यहाँ पे, कौन सी मेरी मर्जियां चलती हैं? ऊपर से वो शजी तेरा भाई, उसने नवा कट्टा खोल लिया। अब क्या हो गया भाभी? कहता है कि जब तक मेरी बिट्टो का ब्याह नहीं होगा, मानो की शादी का सोचना भी ना, पावे 5 साल लग जाए। फिर मेरी शादी आ गई बीच में? तेरी शादी हमेशा से बीच में थी, गौर की माँ ने ऐसा सुर स्वाद का रिश्ता बताया। अब तू बता, हाथ से निकलने दूं मैं वो? मैं ही चली जाती हूँ इस कमरे से, और गौर उसके खानदान को तो मैं सबको देख लूंगी। भाभी आप वो रिश्ता देख लें, शजी भाई को मैं मना लूंगी। आप खुश हैं? आप यही चाहती थी ना? हाँ यही चाहती थी मैं। अरे यार भाभी क्यों नाराज हो गई हैं? कैसे मनाऊं? ऐसा करता हूं, गिफ्ट देने के बहाने मुंह टेक कराता हूं उनका। बकरी की तरह टकरी क्यों मार रहे? अम्मी मिसालें तो ढंग की दिया करें। जैसी बुद्धि वैसी मिसाल।